बीते कुछ दिनों से सोयाबीन की कीमतों में इजाफा हो रहा था या वे स्थिर चल रही थी, मगर पिछले दो दिनों से बाजार की तस्वीर बदल सी गई है। दो दिनों में सोयाबीन का भाव 400 रुपए से नीचे आ गया है। कमोडिटी मार्केट में भाव गिरने और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। व्यापारियों ने दावा किया है कि इसी कारण कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस परिणाम का असर महाराष्ट्र की बाजार समितियों में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बता दें कि दिवाली के बाद एक बार भी सोयाबीन के भाव में कमी नहीं आई थी, या तो कीमतें बढ़ रही थी या फिर स्थिर रही थी। इससे किसानों को सोयाबीन का उचित दाम भी मिल रहा था, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब यदि सोयाबीन की आवक और बढ़ी तो कीमतें और गिरेंगी। दरअसल जब सोयाबीन की कीमतें बढ़ रही थी तब आवक भी नियंत्रित थी, लेकिन सोमवार से स्थिति में परिवर्तन आया है। सोमवार और मंगलवार यानी लगातार दो दिनों तक 400 रुपए तक भाव सोयाबीन के गिरे रहे थे। वजह चाहे कमोडिटी मार्केट में भाव गिरना हो या ओमिक्रॉन के प्रभाव से निर्यात प्रभावित होने के कारण हो, किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सोयाबीन का भाव एक महीने में 1500 तक बढ़ गया था, जबकि पिछले दो दिनों में रेट 400 रुपए से नीचे गिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।